इसेंट्रिसिटी क्या होता है? इसेंट्रिसिटी एक टर्म है ज्यामितीय संरचना में, जो सर्कुलर पाथ जो होता है उसका झुकाव क्या है या कितने सर्कुलर स्थिति में वो है या नहीं है वह रिप्रेजेंट करता है। तो यह एक इलिप्स है, इसमें दो फोकस हैं F1 और F2, और इन दोनों के जो ठीक बीच वाला है वह O, यह एक पूरे इलिप्स का सेंटर हो गया। तो अब सेंटर से दो प्रकार की दूरी, एक यहाँ से लेके इस तरफ यानी कि मेजर एक्सिस पे सबसे लंबी दूरी वो हो गया A, यानी कि सेमी मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, उसी प्रकार माइनर एक्सिस यहाँ से लेके यहाँ तक होता है। दोनों मेजर और माइनर एक्सिस सेंटर से होके पास होता है, तो सेंटर से एक तरफ की जो दूरी होती है उसको सेमी माइनर कहते हैं, सॉरी सेमी मेजर कहा जाता है, और फिर सेंटर से लेके ऊपर की तरफ जो दूरी होती है उसको सेमी माइनर यानी कि बी और सेमी मेजर ए। अब सेंटर से किसी भी एक फोकस का जो दूरी होता है उसको सी माना जाता है, या सेंटर से लेके इस फोकस की तरफ जाइए ये भी सी, और सेंटर से लेके इस फोकस की तरफ आइए वो भी सी हो गया। तो अब आपको ये चीज़ देखना है, देखिए जैसे कि मेजर एक्सिस को हाफ किए तो सेमी मेजर एक्सिस ए आया, उसी प्रकार माइनर एक्सिस को हाफ किए तो सेमी माइनर एक्सिस बी आया। उसी प्रकार डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड वन फोकस, सेंटर और वन फोकस के बीच की जो दूरी है उसको सी माना जाता है। अब इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी ई बराबर सी बाय ए होता है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एनी वन फोकस बाय डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एनी वन वर्टिसेस। वर्टिसेस ये मेजर एक्सिस के जो लास्ट छोर होता है उसको वर्टिसेस कहा जाता है। तो आप समझ गए इसेंट्रिसिटी बराबर सी बाय सेमी मेजर एक्सिस। बहुत जल्दी लगी।